आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ये अपना मान लिया अपने इन्फिनेटली वायर है, ठीक है। अब हमें इस पे चार्ज देना है, ये मैंने इस पे चार्ज दे दिया। अब ये कहलाएगा इन्फिनेटली चार्ज वायर, अनंत रेखीय आवेशित तार, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वायर से बिल्कुल यहां से इसके वायर, इस वायर से यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मैंने मान लिया ओ, ये पॉइंट हमने ले लिया पी, ठीक है। ओ से पी की दूरी हमने ले ली आर, मतलब वायर्स के बिंदु ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां तो देखो बहुत सारे चार्ज दिए हैं और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सिंगल चार्ज भी है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यहां तो बहुत सारे चार्ज आ रहे हैं, इन सभी चार्ज के कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वायर पर ओ से समान दूरी पर एक एलिमेंट ले लेंगे, यह दूरी, ठीक है, यह दूरी जो हमने ली है यह दूरी ले लेते हैं ए। ठीक इसी तरीके से वायर के नीचे की ओर भी उतनी ही डिस्टेंस पे एक एलिमेंट और ले लेते हैं, यह डिस्टेंस भी कितनी है ए। इस एलिमेंट को हमने बोला ए वन और ये एलिमेंट है ए टू। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट पी पे ए वन एलिमेंट बनाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे ए टू एलिमेंट बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तरीका क्या, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस तरफ रिपल करेगा उसी डायरेक्शन में, इस तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये आएगा इस तरीके से अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है। ये आया किसके कारण आया, ये एलिमेंट ए वन के कारण। अब पूरे के कारण E1 है, इस एलिमेंट के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया DE1, ठीक। A2 के कारण देखिए क्या आएगा, ये आएगा A2 के कारण DE2। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट्यूड में सेम होंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन यहां से यहां तक की, ठीक है, के क्यू अपॉन ये पॉइंट है ए वन से पी तक की डिस्टेंस, ये होगा आर, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये आर है, ये ए है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक इसी तरीके से ए टू पी की डिस्टेंस भी आपको मिलेगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों तरफ समान आ रही है इसलिए डी ई वन और डी ई टू मैग्नेट्यूड में तो क्या होंगी, समान, बट डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। ये मैग्नेट्यूड में तो सेम प्राप्त हो रहे हैं बट इनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन अलग अलग आ रही है, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है जो कि संभव नहीं है। तो हम क्या करें,
अब यहां पर DE1 को और DE2 को अलग अलग रूप में कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। DE1 के घटक बनाएंगे और DE2 के घटक बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम DE1 का घटक बना रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये और ये, ये DE1 वेक्टर X और Y एक्सिस के बीच में आ चुका है, परपेंडिकुलर वेक्टर इन दोनों के बीच में आ चुका है। यहां से ये एक परपेंडिकुलर डालिए और ये बन गया आपका कौन सा कंपोनेंट, ये बन गया DE1। ये देखिए ये जो एंगल हमने यहां माने, ये अगर मैं यहां थीटा लेता हूं तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी थीटा, तो इस DE1 ने इसके साथ थीटा बनाया है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा DE1 cos थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट ये आया DE1 sin थीटा। इस तरीके से हमने DE1 को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। ठीक इसी तरीके से आपको यही दो कंपोनेंट DE2 के भी बनाने हैं। तो एक लाइन तो DE2 के लिए ये आ गई और एक ये आ गई। ये वाला कंपोनेंट अगेन ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट एक और आया यहां पर, ये DE2 का है DE2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये, DE2 sin थीटा। इस तरीके से हमने यहां पर इसको कंपोनेंट में बना लिया, ठीक। अब देखो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक ही डायरेक्ट एक ही लाइन के अलोंग है और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही रेखा पर और अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये हो गए कैंसिल। DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा तो हो गए कैंसिल, जबकि यही एरो जो दिखाया गया है ये कंपोनेंट DE1 cos थीटा डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में DE2 cos थीटा भी आ रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाती हैं, जबकि DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में होने से जुड़ जाएंगे और हमें जो नेट डायरेक्शन मिलेगी इन्फिनाइटली चार्ज वायर के कारण, वो वायर से आर दूरी पर या वायर से परपेंडिकुलर मिलेगी। ये देख लीजिए एक्चुअल में डायरेक्शन ये वाली तो कैंसिल हो गई, अब डायरेक्शन तो ये आ रही है आपकी, ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन आ रही है। अगर ये वाली डायरेक्शन आ रही है तो आप खुद देखिए किधर आ रहा है, ये बिल्कुल वायर से विलंब बता रहा है ये, ठीक है, वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इनफिनाइटली चार्ज वायर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। आंसर होगा तार के अभिलंबवत बाहर की ओर। अब इधर पॉइंट बना तो इधर आ जाएगी, इधर पॉइंट बना है तो इस तरफ आ जाएगी, तार के अभिलंबवत बाहर की ओर यह डायरेक्शन होगी, ठीक है। पहला मीटर इसकी डायरेक्शन को बताना, और ये जो मैंने इतना पूरा बताया है ये आपको नोट्स में थ्योरी के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं उसमें आपको थ्योरी के रूप में ये मिलेगा। पहले डायरेक्शन शो करनी है, ठीक, इस तरीके से डायरेक्शन डायग्राम बना के इस डायरेक्शन की थ्योरी लिखनी है, कैसे आपने क्या काम किया है, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं निकाला है, हमने डायरेक्शन निकाली है जो कि वायर के परपेंडिकुलरली मिलेगी आपको, क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम,
अब कैलकुलेशन करनी है, अगेन वही वायर अपना, ये इन्फिनेटली वायर है, ये हमने इस पे आवेश दिया, ये पॉइंट पी माना, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक वही तरीका गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। यहाँ पर गॉसियन सरफेस क्या आएगी, यहाँ गॉसियन सरफेस एक लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस लिया जाता है, लाइन चार्ज आ गया, ठीक है, रेखावेश, रेखावेश के लिए जो गॉसियन सरफेस ली जाएगी वो क्या आएगी, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर आप ये एक सिलेंडर ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानी है। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है, ये पॉइंट पी था, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और ये पॉइंट पी भी गॉसियन सरफेस पे एग्जिस्ट कर गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर मानी थी, तो ये दूरी भी आर हो गई। तो एक्चुअल में हमने आर रेडियस का एक सिलेंडर यहाँ पर बनाया है गॉसियन सरफेस के रूप में, ठीक है। अब गॉस थ्योरम लगाइए, गॉस थ्योरम होती है इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज पाथ ई डॉट डीएस, जस्ट पीछे वाला काम ही है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाले आवेश, नेट आवेश कितना माना इस पे, नेट आवेश हमने लिया क्यू, लीनियर चार्ज बन के आ रहा है, और क्यू बराबर होता है लैम्डा इंटू एल, ये पूरी लेंथ इसकी अगर एल मान लू तो ये आएगा लैम्डा इंटू एल। कैसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा बराबर होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इंटू एल EDS cos theta is equals to lambda L upon epsilon naught। अब इस क्लोज सरफेस को खोलना होगा हमें यहां पर। एक्चुअल में इस क्लोज सरफेस में देखें तीन पार्ट चल रहे हैं, ऊपर का सर्कुलर पाथ S1, नीचे वाला सर्कुलर पाथ S2 और कर्व पाथ S3। इस गॉसियन सरफेस की तीन स्टेप आ रही है, तीन इसकी सरफेसेज हमें मिल रही है, पहली ऊपर वाली सर्कुलर S1, नीचे वाली सर्कुलर S2 और ये वाली कर्व, इसका वक्र पृष्ठ S3। तो ये जो बबल बीच में मैंने बनाया है, इंटीग्रेशन तो रखेंगे लेकिन इंटीग्रेशन से ये बबल हटाएंगे और अब लिखेंगे EDS cos थीटा, किस सरफेस के लिए, S1, EDS cos theta S2 सरफेस के लिए और EDS cos theta S3 सरफेस के लिए। इन तीनों सरफेस मिलके, ये तीनों सरफेस जो है, ये तीनों सरफेस मिलके क्लोज सरफेस बना रही थी। तो जैसे ही हम इस बबल को, क्लोज सरफेस का सिंबल है ये, इसको हम हटाएंगे, इन तीनों का सम आ जाएगा ये, अब बीच में बबल नहीं आएगा यहां पर, ध्यान रखना।
बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों सरफेस पे अलग अलग थीटा ढूंढ लीजिए, थीटा की वैल्यू रखिए और सोल्व कीजिए, काम हो जाएगा। तीनों सरफेस पे अलग अलग थीटा ढूंढना है हमें। सबसे पहले एस1 सरफेस पे देखे थीटा, थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो यहां देखिए, हर जगह वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वायर के विलंब बताएगी। इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा इसका इधर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर सर्कुलर पाथ होने के कारण सर्कल इस तरीके से रखा हुआ है ऊपर की ओर, ये एरिया वेक्टर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है एस वन सरफेस पे? 90 डिग्री। तो मैंने यहां लिखा ई डी एस कोस 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इधर क्यों आई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की? वायर है, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? वायर के परपेंडिकुलर। ये देखिए ये वायर रहा, इससे ये 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। इस पे देखिए, इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन एरिया वेक्टर इसका इस तरफ ले लिया तो फिर एंगल 90 डिग्री। एच टू सरफेस पे भी थीटा 90 आ रहा है। ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस एच टू सरफेस पे देखिए, ये कर सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहीं पर ये एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो बाहर की ओर यहां ये वाली सरफेस आ रही है। तो यहां आएगा ईओडीएस एक डायरेक्शन में, थीटा जीरो, तो यह आ जाएगा ईडीएस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस एन सरफेस पूरी वैल्यू जीरो, एस टू सरफेस के कारण पूरी वैल्यू जीरो। क्यों? कोस 90 जीरो होने के कारण मिल गया आपके पास एस थ्री सरफेस का ईडीएस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एस एस सिलेंडर के लिए आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ई इंटू टू पाई आर इंटू एल, ये तो ये रहा एस होगा टू पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ई बराबर हमें मिल गया लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे पास लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ई बराबर आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। वेक्टर फॉर्म में लेना है तो 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, किसके कारण? इनफाइनाइटली चार्ज वायर के कारण। अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वायर के अभिलंबवत, और फॉर्मूला मिलेगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफिनाइट शीट। अनंत रेखीय समरूप आवेशित अचालक परत अनंत रेखीय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय समरूप आवेशित अचालक परत, एकदम पतली सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, वही बात पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देखेंगे। जो चार्ज देंगे वो यहां नहीं रहेगा, यहां भी चार्ज रहेगा, क्योंकि अचालक है तो हर जगह चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अब देखिए, बिल्कुल ये इस तरीके से रखी हुई है सीट। ठीक है, ये सीट बिल्कुल इस तरीके से रखी हुई है। इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यह हमने शीट मानी है, इस शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इस शीट की चार्ज डेंसिटी जो दी गई है वो सिग्मा दी गई है, नेट चार्ज इस पे क्यू है, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। ये ओ पॉइंट लिया, ओ पॉइंट से यहां पर पॉइंट पी है आर दूरी पर, इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर बहुत सारे चार्ज है, हमें पता है एक एलिमेंट्री चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो हमने क्या किया, ओ से वही काम जो पीछे किया, आर दूरी पर ओ से ए दूरी पर एक एलिमेंट लिया और एक एलिमेंट लिया, बिल्कुल समान दूरी पर एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए हमने ए वन और ए टू। ए वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो डायरेक्शन आएगी ये वाली, एलिमेंट्री है इसलिए डी ई वन। ए टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी हमारी ये वाली डी ई टू। ठीक, वही दो डायरेक्शन आ गई, संभव नहीं है, इसलिए पहले E1 को कंपोनेंट में तोड़िए। यह कंपोनेंट आया DE1 साइन थीटा और यह कंपोनेंट आ जाएगा DE1, सॉरी यह आएगा DE1 थीटा, बनाया ना ये cos थीटा,
ये आएगा डी ई वन साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से ये कंपोनेंट आया डी ई वन कोस थीटा, ई टू कोस थीटा, और नीचे वाला आएगा डी ई टू साइन थीटा। ठीक वही काम किया है इस पॉइंट पर जो पीछे वाले डेरिवेशन में हमने किया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी कर लिया। ये दोनों कंपोनेंट डी ई वन साइन थीटा और डी ई टू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई वन कोस थीटा की डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब सीट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ठीक है, तो इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर ही मिलेगी। इसकी भी थ्योरी लिखी हुई है नोट्स में, यहां मैं नहीं लिखा रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, नोट कीजिए जल्दी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना है, गॉसियन सरफेस लेनी होगी। गॉसियन सरफेस होगी सिलेंड्रिकल, जो कि इस शीट को पूरा क्रॉस करते हुए बाहर की ओर जाएगी। S1 सरफेस, S2 सरफेस और ये बीच की कर्व सरफेस, ये वाली सरफेस S3 सरफेस। इस तरीके से एक आपको सिलेंडर एज्यूम करना है, पूरा सिलेंडर किसी सीट को क्रॉस करते हुए लेना है। क्रॉस इसलिए कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग है, हर जगह चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो टोटल इसकी अगेन तीन सरफेस बनेगी। गॉस थ्योरम होगी E डॉट ds इज इक्वल्स टू q enclosed अपॉन epsilon नॉट E ds cos थीटा बराबर q, q की वैल्यू है सिग्मा s, तो ये आ जाएगी सिग्मा s अपॉन epsilon नॉट। क्लोज सरफेस को खोलेंगे, S1 सरफेस ई डी एस कोस थीटा प्लस S2 सरफेस ई डी एस कोस थीटा प्लस S3 सरफेस ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 सरफेस में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बाहर की ओर और इसी तरफ सर्कल बना हुआ है ओपन सरफेस, इसी तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, थीटा जीरो डिग्री। एस वन सरफेस के लिए थीटा जीरो डिग्री, ई डी एस कोस जीरो डिग्री प्लस एस टू सरफेस, देखिए ये पॉइंट इधर है तो ई की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक वही वो पोजीशन वापस आ गई। पॉइंट इधर भी लिया जा सकता है, पॉइंट इधर भी लिया जा सकता है, सीट ये रही, पॉइंट इधर भी हो सकता है और पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है। ये एस टू सरफेस इस तरफ है, इस तरफ वाले पॉइंट पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर परपेंडिकुलरली और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, अगेन थीटा जीरो। एस थ्री सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, एरिया वेक्टर ये है 90, ई डी एस
कोस 90 डिग्री बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, जीरो हो गया, इनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अब ई एस ऑन सरफेस के लिए डी एस प्लस अगेन ई एस टू सरफेस के लिए डी एस प्लस ये वैल्यू जीरो हो गई, लिखेंगे नहीं, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी एस का इंटीग्रेशन एस प्लस ई एस। अब एस की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, ये शीट पूरी तरह से इनफाइनाइट लेंथ की है तो हम नहीं बता सकते कि ये रेक्टेंगल है कि क्या चीज बन के आ रही है, इसलिए इसका एरिया एस ही मान लिया हमने, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये मिला 2ES इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल ई बराबर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेकंड कंडीशन में मिला अचालक परत के कारण, अनंत रेखीय समरूप आवेशित अचालक परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं क्या है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अनंत रेखीय समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, चालक प्लेट है ठीक है। अब शीट और प्लेट में डिफरेंस देखिए, ये हमने लिया, ये जो एक लेयर बन के आई है ये कहलाएगी शीट, और जो हमने चार्ज दिया था शीट के केस में वो चार्ज पूरे पे पूरे के ऊपर फैला हुआ था ठीक। अब हम ले रहे हैं प्लेट, प्लेट एक्चुअल में एक शीट ये है और दूसरी ये है, प्लेट एक्चुअल में दो शीट का कॉम्बिनेशन है, और मेन जो बात आती है वो ये चीज आती है कि ये दो प्लेट जो है वो दो का कॉम्बिनेशन बन के आ गया, एक सीट ये है दूसरी सीट ये है, बीच में अब चार्ज जो रहेगा वो केवल प्लेटों पर एग्जिस्ट करेगा, बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, नॉन कंडक्टिंग होता तो अंदर आ जाता, लेकिन कंडक्टिंग है तो अंदर चार्ज नहीं रहेगा, जो भी चार्ज रहेगा प्लेटों पर ही एग्जिस्ट करेगा, एक इस प्लेट पर और एक इस प्लेट पर, एक यहां चार्ज एग्जिस्ट करेगा और एक यहां अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। आगे बात समझ में, अब इसके केस को और हम अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट कितनी सीट का कॉम्बिनेशन है, प्लेट दो सीट का कॉम्बिनेशन है, एक सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया तो दो सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई 2, एक सीट का ये है तो दो का दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया और प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखने के लिए कंफ्यूज नहीं हो कि सीट के कारण कितना आया था और प्लेट के कारण कितना आया, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट जो है वो दो सीट का कॉम्बिनेशन हम मानेंगे और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इसे अब हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। यही फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। ये एकदम शॉर्ट में हमने निकाला ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, याद रह जाए, आगे तक इसकी जरूरत पड़ेगी इन फॉर्मूलों की हमें। तो वही बात, डायरेक्ट कैलकुलेशन है इसकी, इसकी डायरेक्शन का शो नहीं है क्योंकि सीट का ही कॉम्बिनेशन है और सीट की डायरेक्शन हमने निकाली हुई है। जो भी चार रहेगा, अंदर कोई चार नहीं रहेगा इन प्लेटों पर, बाहर की ओर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, प्लेटों पर बाहर की ओर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस मानी। गॉसियन सरफेस अब पूरी नहीं ली जाएगी, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ली जाएगी। सिलेंड्रिकल के लिए पूरी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। तो इस तरफ गॉसियन सरफेस, अब अगर इधर पॉइंट लिया है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको इस तरफ, तब तो आपको लेना पड़ेगा इस तरफ गॉसियन सरफेस, और इस तरफ ले रहे हैं तो इधर की आएगी, इधर नहीं बनेगी नेट चार्ज, बीच में चार्ज जीरो होने के कारण ये आएगा। तो एक्चुअल में यहां पर जो भी सरफेस बन के आ रही है वो देख लीजिए क्या क्या बन के आएगी। S1 सरफेस, अंदर की S2 सरफेस और कर सरफेस S3 सरफेस। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर भी इसका इधर। इस पर अंदर होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, बात ही खत्म, डायरेक्शन का इश्यू नहीं है। अंदर है, अंदर कंडक्टर के अंदर नेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण ई जीरो। यहाँ सेम डायरेक्शन में, यहाँ देखिए ये डायरेक्शन ई की और ये एरिया वेक्टर की, बीच का एंगल 90 डिग्री। अगेन वही काम, ई डी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होल ए, ई डी एस कोस थीटा प्लस ई डी एस कोस थीटा प्लस एस थ्री सरफेस के लिए ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 सरफेस के लिए थीटा जीरो डिग्री, तो ये बन जाएगा ई डी एस कोस जीरो डिग्री प्लस S2 सरफेस के लिए जीरो, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, थीटा जीरो नहीं है, यहाँ ई जीरो होने के कारण वैल्यू जीरो हुई है, थीटा 90 नहीं था यहाँ पर, प्लस S3 सरफेस ई डी एस कोस 90 डिग्री सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ई जीरो होने के कारण पूरी वैल्यू जीरो हो गई थी, यहाँ थीटा 90 है, ये 90 होने के कारण जीरो होगा इस थ्री सरफेस का, ये ई जीरो होने के कारण हुआ है। तो S1 सरफेस का बचेगा, S1 सरफेस का आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया, एक एस कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही आया फॉर्मूला, शायद दो प्लेट का कॉम्बिनेशन लेके और ये तरीका पूरा मेथड निकालने का। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इन्फिनाइटली चार्ज वायर के कारण, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण और कंडक्टिंग प्लेट के कारण। कंडक्टिंग प्लेट नॉन कंडक्टिंग शीट का एक शीट दो शीट का कॉम्बिनेशन मान लो आप, दो शीट का कॉम्बिनेशन मानते कंडक्टिंग प्लेट बन जाएगी, कंडक्टिंग प्लेट का ये केस बन गया। ध्यान रखने वाली बात है, सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, सीट का ट्वाइस होगी प्लेट तो दो से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी। ठीक, इतना आपको नोट कीजिए, कोई बात नहीं समझ में आई तो मेरे को आप व्हाट्सएप या मैसेज करके आप बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पर, और इनको अब आप
याद करना भी साथ साथ शुरू कीजिए। यह चैप्टर लगभग ख़त्म होने में ही है, हो सकता है कल या उसके अगले रोज़ तक ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाए। ठीक है।